डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आपके सामने हाजिर हूँ, लेकर दैनिक राशिफल। आपको बताऊंगी कैसा बीतेगा आपका आज का दिन, क्या कुछ हो सकता है आपके साथ खास। 23 अक्टूबर दिन बुधवार का राशिफल आपको बताने जा रहे हैं। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो अगले दिन प्रातः 1:11 तक रहेगी। शुभ समय जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, उसकी बात करें तो आज कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। वहीं राहु काल यानी अशुभ समय की बात करें तो आज दोपहर 12:05 से 1:30 तक राहु काल चलेगा। दिशा शूल की बात करें तो आज उत्तर दिशा में है। दोस्तों, 25 तारीख को धनतेरस है, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद। धनतेरस में जो है लोग बर्तन आदि खरीदते हैं और सभी लोग अभी से इसकी खरीदारी में जुट भी गए हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बता देते हैं कि राशि के अनुसार किस राशि के जातक को क्या खरीदारी धनतेरस पर करनी चाहिए। वैसे तो धनतेरस पे लोग बर्तन ज्यादा प्रेफर करते हैं, बर्तन सोना, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार क्या खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं आज चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी। आज चंद्रदेव कर्क राशि में रहेंगे शाम को 3:13 तक, उसके बाद वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही आज चंद्रदेव आश्लेषा नक्षत्र में 3:13 तक रहेंगे और उसके बाद वो मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है, जिसे ज्योतिष में मिथुन और कन्या राशियों का स्वामित्व हासिल है। वहीं मघा नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है, जिसे किसी भी राशि का जो है पूर्ण स्वामित्व हासिल नहीं है। इसीलिए आज के दिन कह सकते हैं कि मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियां सक्रिय अवस्था में रहेंगी। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा भाव आपका सक्रिय रहेगा। सेहत पर नजर डालें तो काफी हद तक आपको आज पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। किसी को पैसे उधार दिए हैं तो आज वो वापस मिल सकता है। वहीं पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज दिन बहुत अच्छा है। घर में सुख शांति और परिजनों का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा घर में कोई खास मेहमान भी आ सकता है। कर्म कांड, हवन, पूजा पाठ आदि का आयोजन हो सकता है। जो जातक प्रेम में डूबे हुए हैं आज अपने संगी की बातों को बड़े प्यार से सुनेंगे और उनको पर्याप्त सम्मान भी देंगे। वहीं कारोबार और नौकरी करने वाले लोगों को आज अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज आपको खुद को जितना हो सके व्यस्त रखने की जरूरत है, क्योंकि मुमकिन है कि आज खाली समय में आप कुछ ऐसा न चाहते हुए भी सोच ले, जिससे के चलते आप खुद पर नकारात्मकता का जो है हावीपन देख सकते हैं। शादीशुदा जातकों के जीवन में आज रुमानियत साफ तौर पर झलकेगी। आज आपको अपने जीवन साथी पर अचानक प्यार आएगा। जिन छात्रों के परीक्षा के परिणाम आने वाले हैं, उनके लिए आज का दिन फलदायी साबित हो सकता है, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले। जीवन में आज जो है गृहिणियों को घरेलू काम के निपटारे में जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है। उपाय सुनिए, लोहे के बर्तन का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। दोस्तों, बात कर रहे थे धनतेरस पर मेष राशि के जातकों को क्या खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले मेष का जो स्वामी ग्रह है मंगल है, इस राशि के जातकों को ताम्र पात्र, फूल के बर्तन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के आदि खरीदना बेहतर रहेगा। लेकिन मेष राशि वाले भूल कर भी हीरे का सामान ना खरीदें। ये आपके लिए धनतेरस पर खरीदारी क्या करनी है उसके लिए हमने बताया। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात करेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भाव आपका सक्रिय रहेगा। आज आपको अपने दिमाग को स्थिर करने की जरूरत होगी। आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा गंभीर रहना होगा। आर्थिक रूप से आज आपका दिन काफी निराशाजनक बीत सकता है। आपका बर्ताव लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। वहीं परिवार के लोग भी आप पर जान छिड़केंगे और आपके द्वारा किए गए सभी कामों को सराहेंगे। आज थोड़ा समय अपने बच्चों के साथ भी अवश्य बिताएं, इससे न केवल आपका मन प्रसन्न होगा बल्कि संतान भी ऊर्जा से लबरेज होगी। प्यार की नाजुक डोर को स्वार्थ और अहम से बचाने की सलाह आज मैं इस राशि के प्रेमी जातकों को देना चाहूंगी। कारोबारी जो है आज के दिन सामान्य रहेगा। भले ही आज आपको बहुत ज्यादा मुनाफा ना हो, लेकिन आपको हानि भी नहीं होगी। किसी करीबी व्यक्ति की सलाह आज आपको कारोबार में कई परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आज इससे जुड़े लोगों को कार्य क्षेत्र में जो है वो काफी खिले खिले रहेंगे। आज आपके चेहरे की मुस्कान कई लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर सकती है। जो लोग जॉब की तलाश में है आज उन्हें नौकरी मिल सकती है। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज जो दिन है आपका सामान्य रहेगा। जिन बातों को लेकर बीते कुछ दिनों से आपके जीवन साथी के साथ आपकी नोकझोंक हुई है, उसका आज समाधान निकलेगा। छात्रों की बात करें, आज पूर्व में की गई उनकी मेहनत का फल मिल सकता है उनको आज। वहीं गृहिणियों के लिए आज दिन का अंतिम भाग अच्छा रहेगा। उपाय सुन लीजिए, आज किसी धर्म स्थान में आपको दान देना है। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। दोस्तों, बता रहे हैं आपको कि वृषभ राशि के जातकों को धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। ध्यान से सुनिए, वृषभ का स्वामी ग्रह शुक्र है। इस राशि के लोगों को चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन, चांदी से बने आभूषण, हीरे की अंगूठी या जेवर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और वाहन आदि की खरीदारी ये कर सकते हैं। लेकिन वृषभ राशि भूल कर भी धनतेरस पर सोने के आभूषण ना खरीदें।
ऐसे ही बाकी सभी राशियों को बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं मिथुन वालों का आज का दिन कैसा बीतेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव आपका सक्रिय रहेगा। आज का दिन स्वास्थ्य के मामले में जबरदस्त रहने वाला है और आपका उत्साह देखते ही बढ़ेगा। धन संबंधित मामलों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। वहीं पारिवारिक जीवन के बाग में आज कोई नया फूल खिल सकता है। शाम के वक्त घर पर कोई छोटी मोटी पार्टी हो सकती है। लव लाइफ की बात करते हैं, आज आपका दिन ऐसा बीतेगा जैसा आप किसी सपने की दुनिया में हो। आज आपको कोई छुपा विरोधी आपको गलत साबित करने की पुरजोर कोशिश करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो चुंबकीय और जिंदा दिल व्यक्तित्व है सबके आकर्षण का आपको केंद्र बना देगा। आज की शाम अपने दोस्तों के साथ आप बिताएंगे जो आपके लिए वल्लमे दिलचस्प होंगे। साथ ही आप अपने मित्रों के साथ आने वाली छुट्टियों को साथ बिताने की योजनाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी का प्यार आपके दिन की थकान को एक झटके में दूर कर सकता है। आज शादी योग्य जातकों का रिश्ता तय हो सकता है। वहीं छात्रों को आज घर के किसी बुजुर्ग सदस्य से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। गृहिणियों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आप अपने जीवन साथी को अपने विचारों से प्रभावित कर सकती हैं। उपाय ध्यान से सुनिए। सुबह घर के प्रवेश द्वार को जल से साफ करें। शुभ अंक है आपके लिए 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। दोस्तों, अब समय आ गया है जब हम बताएंगे मिथुन राशि के जातकों को धनतेरस पर क्या खरीदारी करनी है। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है। इस राशि के जातक इस धनतेरस कपड़े, चांदी के सिक्के और आभूषण, हीरे के आभूषण, चांदी के बर्तन और वाहन आदि खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात करेंगे। 12वां, पहला, दूसरा और तीसरा भाव आपका सक्रिय रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आज आप अन्य दिनों की तुलना में कई ज्यादा ऊर्जावान, खुद को बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे और शारीरिक रूप से फिट भी रहेंगे। लेकिन अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो आज आपको विशेष ध्यान रखने की सलाह देना चाहूंगी। यदि आप किसी भी प्रकार का निवेश अपने घर पर करने की सोच रहे थे तो आज का दिन आपकी इस योजना को अंजाम देने के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। आपके परिवार के लोग भी आपको भरपूर स्नेह देंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें आज दिल की बातें मुंह तक लाने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप अपनी जीवन साथी की किसी बात से परेशान हैं तो खुलकर अपनी बातें उनके सामने रखें। वहीं कार्य क्षेत्र के लिए परिस्थितियां आज अनुकूल दिखाई दे रही हैं। सहकर्मियों के साथ आज आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को जो है पूरा कर सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग हैं, आज किसी तरह का शुभ समाचार आपको मिल सकता है। व्यापार संबंधी यात्रा आज सफल हो सकती है। व्यापार में मुनाफा भी संभव है, हालांकि व्यापार में आज के दिन जो है रिस्क लेने से बचें। इस राशि के वो लोग जो विवाह के बंधन में बंध चुके हैं उन्हें आज सोच समझकर चलने की जरूरत है। आज के दिन आप किसी अन्य शख्स के प्रति जो है आकर्षण महसूस कर सकते हैं। इस राशि के छात्र छात्राओं ने बीते दिनों में जो कड़ी मेहनत की है उसका अच्छा फल आज आपको मिल सकता है। वहीं शादीशुदा स्त्रियों के जो है ससुराल पक्ष से आज रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो गृहिणियां इस बात का खास ध्यान रखें। उपाय सुनिए, आज हरे रंग के कपड़े पहनने इस राशि के जातकों को। शुभ अंक है आपके लिए 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बताते हैं कर्क राशि के जातकों को धनतेरस पर, यानी जो 25 तारीख को है, परसों है, क्या खरीदारी कर सकते हैं आप। अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है तो कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। आप इस धनतेरस सोने के सिक्के व आभूषण, तांबे के बर्तन, फूल की थाली, चांदी के सिक्के व आभूषण आदि खरीदेंगे तो शुभ रहेगा। लेकिन इस राशि के जातकों को वस्त्र खरीदने से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की जातकों की बात करेंगे। 11वां, 12वां, पहला और दूसरा भाव आपका सक्रिय रहेगा। आज कोई भी ऐसे काम में अपनी माथा पिची ना करें जिसका विपरीत प्रभाव आपकी सेहत या दिमाग पर पड़े। ऐसे योग बन रहे हैं कि आप आज बीमार हो सकते हैं जिससे आपके आने वाले 2-3 दिन भी बर्बाद हो जाएंगे। जैसा आप सोचते हैं आपकी आर्थिक जिंदगी जो है, आर्थिक स्थिति जो है, आज वैसे ही रह सकती है। आप दिल खोल कर खर्च कर पाएंगे। परिवार का कोई सदस्य आज निजी तौर पर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लिहाजा इस स्थिति से बचने के लिए किसी भी मतभेद में ना पड़े। आज के दिन इस राशि के प्रेमी जातक खुद को अपने लवमेट से दूर रखने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह आपके दिल में उनके प्रति शक हो सकता है। जो जातक अभी तक सिंगल हैं उन्हें अपने ख्वाबों के राजकुमार या राजकुमारी से मिलने में अभी समय लगेगा। कारोबार के लिए भी आज का दिन अच्छा बीत सकता है। आज आपको व्यापार में प्रबल लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। वहीं जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हैं उनका मनोबल आज ऊंचा रहेगा। आज आप अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ अपने सीनियर्स और सहकर्मियों के सामने रखने में कामयाब हो सकते हैं। वहीं शादीशुदा जोड़े जो हैं आज फूले नहीं समाएंगे। कारण खास है और वो ये है कि आज आपका जीवन साथी आपकी किसी बात को लेकर तारीफ करते नहीं थकेगा। छात्रों का आज पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा, पढ़ाई के अलावा उनका मन खेल कूद में ज्यादा लग सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को अपने विचारों को और विस्तृत करने की आवश्यकता है। गृहिणियों को आज अपने जीवन साथी की बातों पर प्यार आ सकता है। दिन अच्छा है, इसका आनंद जरूर लें। उपाय ध्यान से सुने।
तुलसी पत्र का सेवन करें आज। शुभ अंक है आपके लिए 8, शुभ रंग है काला और नीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे कि सिंह राशि के जातकों को धनतेरस पर क्या खरीदारी करनी चाहिए। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। सोने के सिक्के और आभूषण, बर्तन, फूल के पात्र, धार्मिक पुस्तक और कलम खरीदना इस धनतेरस आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि के जातक भूल कर भी लोहे के पात्र और वाहन ना खरीदें। कन्या राशि की बात करते हैं, 10वां, 11वां, 12वां और पहला भाव आपका सक्रिय रहेगा। दोस्तों, अक्सर व्यक्ति पैसों के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल देता है और पैसा खर्च तभी करता है जब स्वास्थ्य बिगड़ जाए। इसीलिए अवश्य समझ लें कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर है। इसीलिए अपने आलस्य को त्यागें और अपनी शारीरिक सक्रियता को बढ़ाएं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, क्योंकि उसी के द्वारा आप धन भी अर्जित कर सकते हैं और अपने जीवन की सभी कमियों को पूरा कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति आज अच्छी होने पर आप अपने पिछले उधार को आज चुकता कर सकते हैं। दोस्तों, आज सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर पैसे लगाएं जो मौलिक सोच रखते हैं और अनुभवी हैं। आज आपके घर के सदस्य ना केवल आपका सम्मान करेंगे बल्कि आपको आज उनका भरपूर सहयोग भी मिलेगा। आप जब भी अपने प्रियतम के साथ सैर सपाटे पर जाएं तो उस समय अपने फोन में लगे रहने के बजाय उन पलों का अपने संगी के साथ आनंद उठाएं। आज आपके कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आएंगी लेकिन अपने मजबूत हौसलों के सामने जो है आपके टिक नहीं पाएंगी। कारोबार की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। वहीं नवविवाहित जोड़ों के लिए आज का दिन जो है कुछ खास दिनों में से एक होगा। आज आप जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाओं को लेकर चिंतित हो सकती हैं। आज आप दोनों के बीच जो है किसी बात को लेकर तकरार भी हो सकती है, इसलिए अपनी बोली पर आप संयम रखें। छात्रों को पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा तभी सफलता मिलेगी। गृहिणियां जो है आज वक्त पर काम करना आपको पसंद है लेकिन जीवन साथी के आलस की वजह से आज आप थोड़ी परेशानी में आ सकती हैं। उपाय सुनिए, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आज बेडरूम में क्रिस्टल बॉल्स रखें। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, कन्या राशि के जातकों को धनतेरस पर क्या खरीदारी करनी चाहिए, इसके लिए ध्यान से सुने। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। इस राशि के जातकों को धनतेरस पर हरे या नीले रंग के वस्त्र, रंग का ध्यान रखें, हरे और नीले रंग के वस्त्र, चांदी के सिक्के और बर्तन, हीरा, वाहन आदि खरीद सकते हैं आप। ये शुभ रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। 9वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव आपका सक्रिय रहेगा। स्वास्थ्य जीवन में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आज आपका मन शांत और सुकून भरा रह सकता है। आर्थिक पक्ष की मजबूती के लिए अपने घर के बड़ों से सलाह मशवरा जरूर करें, उनकी राय आपको कई परेशानियों से बाहर निकाल सकती है। पारिवारिक जीवन आज आपको, उसमें मेरी सलाह रहेगी कि अपने दिमाग में किसी तरह की गलत फहमी न रखें, हालात खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। प्रेम प्रसंग के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आप अपने लव पार्टनर के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। वहीं कारोबार से जुड़े जातकों के लिए आज दिन शुभ रह सकता है। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलें। नौकरी पेशा लोग भी आज कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। गृहिणी जो है आज के दिन अपने पति के साथ घूमने जा सकती हैं। इस दौरान किसी बात को लेकर आपका झगड़ा भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में आज आपको उचित फल मिलने की आशा है। आज आपके जीवन साथी से आपके जो भी मतभेद लंबे समय से चले आ रहे थे वो दूर हो सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो आज आपको इस दिशा में असफलता मिलने के आसार है। उपाय सुनिए, घर के चारों कोनों में लाल रंग के पत्थर रख दें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब सुनिए, तुला राशि वाले धनतेरस पर क्या खरीदारी कर सकते हैं। तुला का स्वामी ग्रह शुक्र है। इस धनतेरस तुला राशि वाले वाहन, चांदी और हीरा, वस्त्र, स्टील के बर्तन आदि खरीद सकते हैं। इस राशि के जातक भूल कर भी धनतेरस पर सोने के आभूषण ना खरीदें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। 8वां, 9वां, 10वां और 11वां भाव आपका सक्रिय रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें, ऊर्जावान रहेंगे और शारीरिक रूप से काफी स्वस्थ रहेंगे। पांचों उंगलियां घी में रहने के आसार हैं। आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार की वजह से आज आपको मुनाफा भी हो सकता है। वहीं कारोबारी जो है बिजनेसमैन, कारोबार की स्थिति जैसी देखना चाहते हैं आज के दिन वैसी ही स्थिति आपको दिख सकती है। यदि आप नए बिजनेस की नींव रखना चाहते हैं तो आज उसकी शुरुआत के लिए अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के लोग जो हैं आज अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाते नजर आएंगे। वहीं पारिवारिक जीवन में आज उत्सव का माहौल रहेगा। परिवार का कोई सदस्य आज सबके लिए खुशियों का कारण बनेगा। हालांकि माँ के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान दें, कोई बीमारी उन्हें आज परेशान कर सकती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आज आपके लिए आपका जो प्रियतम ही सब कुछ होगा, बाहरी दुनिया से आपका कोई मतलब नहीं होगा। वैवाहिक जीवन में आज किसी तरह की उथल पुथल देखने को नहीं मिलेगी। जीवन की गाड़ी बड़े आराम से चलने की संभावना है।
छात्रों को ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है आज, जो आपके दोस्त बनने का ढोंग करते हैं और पीठ पीछे आप पर आघात करते हैं। मेरी माने तो जितना हो सके कम से कम मित्रता करें और ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें। आपकी किसी गलत आदत को सुधारने के लिए, गृहिणियों की बात कर रहे हैं, आज के दिन आपका जीवन साथी आपको सलाह दे सकता है। उपाय ध्यान से सुने, पीले रंग का रुमाल जेब में रखें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। चलिए अब आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को इस धनतेरस क्या खरीदारी करनी चाहिए। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। आपस धनतेरस जो है तांबे के पात्र और पूजा घर के सामान, सोने के आभूषण, धार्मिक पुस्तक आदि खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग यदि इस दिन जमीन या मकान खरीदने की तारीख तय करें तो बहुत शुभ फलदायक रहेगा। इस राशि के जातक जो है भूल कर भी हीरे का सामान न खरीदें। अब बताते हैं धनु राशि के जातकों का दिन कैसा बीतेगा। 7वां, 8वां, 9वां और 10वां भाव आपका सक्रिय है। स्वास्थ्य को लेकर मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि ज्यादा वजनी चीजों को झटके से ना उठाएं, नहीं तो आज जो है कमर या गर्दन में खिंचाव आ सकता है। कहने का मतलब है आज आपको बैक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखें। आज का दिन धन के मामलों में अच्छा रहेगा। आप किसी क्षेत्र में उचित सलाह लेकर निवेश कर सकते हैं। निवेश दूरगामी और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। वही आज का दिन अच्छा है, आपको पारिवारिक जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। आज आपकी बातों से सबका ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। घर के छोटे सदस्यों के साथ शाम का वक्त गुजार कर आपका मूड अच्छा हो सकता है। आज आप प्रेमपूर्ण मनोभाव में होंगे, इसलिए अपने प्रिय के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की योजना बनाएं। यदि आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर से किसी बात को लेकर मनमुटाव भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपके व्यापार में नुकसान देखा जा सकता है, लेकिन यदि आप स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। जहां तक आपके करियर का सवाल है तो उसके लिए आज का दिन उत्तम है। हालांकि अपनी नौकरी अथवा काम को लेकर अपने आपके मन में नकारात्मक ख्याल जो है वो आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी का प्यार आपके दिन की थकान को एक झटके में दूर कर सकता है। छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाए रखने के लिए घर में चलने वाली बातों से दूर रहने की जरूरत है। वहीं जो गृहिणियां हैं आज वैवाहिक जीवन के उजले पहलू का अनुभव कर सकती हैं। आज आपका जीवन साथी आपको अपने जीवन की कुछ अच्छी घटनाओं के बारे में बता सकता है। उपाय ध्यान से सुने, किसी वृद्ध का आशीर्वाद आज आपको लेना है। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। दोस्तों, धनु राशि के जातकों को क्या धनतेरस पर खरीदना है ये ध्यान से सुने। धनु का स्वामी गुरु है। इस राशि वाले लोग धार्मिक पुस्तक, सोने के सिक्के और आभूषण, फूल के पात्र और वाहन आदि खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। 6वां, 7वां, 8वां और 9वां भाव आपका सक्रिय रहेगा। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, इसीलिए आज आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। वहीं विदेशी स्रोत से धन आने की संभावना है। धन का सही उपयोग करें और खासकर अनावश्यक चीजों में पैसा खर्च ना करें। पारिवारिक जीवन में आपको सामान्य से बेहतर परिणाम मिलेंगे। यदि आप अपने परिजनों से दूर रहते हैं तो आज फोन के माध्यम से बातचीत कर आप उनका हालचाल पूछ सकते हैं। घर में किसी मेहमान के आने की भी संभावना है। आज आपके प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता। आपकी दीवानगी आज सारी हदें पार कर सकती है, लेकिन इस दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आपकी कोई बात आपके पार्टनर को निराश ना करे। दूसरी तरफ यदि आपको प्यार की तलाश है तो कुछ वक्त इंतजार अभी और है आपके लिए। ग्रह नक्षत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आज आपके अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज अपने जीवन साथी के साथ रोमानी दिन गुजार सकते हैं, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। छात्रों को मेरी सलाह है कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम पाने के लिए टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करें और हर विषय को बराबर समय देने की कोशिश करें। वहीं अगर बात करें गृहिणियों की तो आज का दिन आपके जीवन साथी के व्यवहार को देखकर आपको थोड़ी सी आप चकित हो सकती हैं। उपाय सुनिए, माता जो कि चंद्र का कारक है उनको सम्मान दें और उनकी सेवा करें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, मकर राशि के जातकों को क्या खरीदना है धनतेरस पर ध्यान से सुने। मकर का स्वामी ग्रह शनि है। इस धनतेरस मकर राशि के लोगों के लिए सोने के सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, चांदी के सिक्के और हीरे के आभूषण खरीदना शुभकारी रहेगा। मकर राशि के लोग भूलकर भी सोने और तांबे के सामान ना खरीदें। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां भाव आपका सक्रिय रहेगा। आज आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आप अपने मन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। आज आपका आर्थिक पक्ष भी बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। आपको कहीं से आर्थिक लाभ हो सकता है। दैनिक आमदनी के बढ़ने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। शेयर बाजार, सट्टा बाजार या फिर लॉटरी आदि में आपको लाभ मिलने की भी संभावना है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना लाभकारी सौदा रहेगा।
आपका पारिवारिक जीवन आज जो है कुछ खास नहीं बीतेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर आज घर में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। इसके अलावा आज माता पिता की सेहत भी आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। जो लोग प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए दिन उम्दा है, आज आप हवा में बिखरे प्यार के रंगों को देख पाएंगे। कारोबारियों को आज सोच समझकर सौदेबाजी करने की जरूरत है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हानि हो सकती है। अगर किसी बड़ी डील को लेकर किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं तो अपने किसी विश्वास पात्र को साथ रखें। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के लोगों को आज कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जोड़ों को आज काफी दिनों के बाद अपने जीवन साथी के साथ एक खास शाम बिताने का अवसर मिलेगा। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। जिन छात्रों के परीक्षा के परिणाम आने वाले हैं उनके लिए आज का दिन फलदायी साबित हो सकता है। अपने किसी पुराने मित्रों के साथ आज के दिन आप बातें कर सकती हैं, जिस वजह से आपको खुशी मिलेगी। हालांकि आपको इतनी ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए जिससे आपके जीवन साथी को प्रॉब्लम ना हो। उपाय सुनिए, पानी वाला नारियल आज शिवजी को चढ़ाएं। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के धनतेरस पर खरीदारी करने की। तो कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है। आप इस धनतेरस लोहे के सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्टील के बर्तन, चांदी और हीरे के आभूषण आदि खरीद सकते हैं। इस राशि के जातक सोने और तांबे के सामान बिल्कुल भी ना खरीदें। अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। चौथा, पांचवा, छठा और सातवां भाव आपका सक्रिय रहेगा। जीवन में आपको आज जो है स्वास्थ्य जीवन में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में आज सुधार लाने की कोशिश करें। आर्थिक तौर पर देखें तो आज का दिन शेयर मार्केट और जो है रियल स्टेट, उसमें निवेश के लिए उत्तम है। यदि आप लंबे वक्त से इन क्षेत्रों में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन इसके लिए बहुत उत्तम है। पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा, मन इतना खुश होगा कि आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों पर भी खूब दिल खोल कर खर्च करेंगे और उनके साथ समय बिताना आपको विशेष आनंद देगा। इससे आपका निजी जीवन जो है शानदार बनेगा। यदि प्रेम संबंध की बात करें तो आपको जो है कुछ अच्छे अनुभव होंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आज आप अपने काम के दम पर सफलता के झंडे गाड़ेंगे। यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो सतर्कता बरतें, आपके सामान की चोरी हो सकती है। जीवन साथी से आपको अपने दिल की सारी बातें करने का भरपूर समय मिलेगा। छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा और इसके साथ ही आज दोस्तों के साथ पसंदीदा फिल्म देखने आप जा सकते हैं। गृहिणियों को बेवजह के तनाव से दूर रहने की जरूरत है। अगर आपको लोगों की संगति पसंद नहीं आती तो अलग ही रहें, आप अलग अकेले टाइम बिताएं। अकेले रहकर आप कोई ऐसा काम कर सकती हैं जो आपके दिल को सुकून देता है, इससे मन को शांति मिलेगी। उपाय सुनिए, बेसन की मिठाई, बेसन की कोई तली खाने की चीज, सोहन पापड़ी, बेसन का हलवा गरीबों में बांटें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब जान लीजिए मीन वाले क्या खरीद सकते हैं आप धनतेरस पर या क्या नहीं खरीदना है आपको। तो मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु है। मीन राशि के लोग जो हैं, धार्मिक पुस्तक, सोने के आभूषण और सिक्के, तांबे और फूल के बर्तन, वाहन खरीद सकते हैं। आप जो चाहें तो जमीन या मकान खरीदने की शुभ तिथि भी आज के दिन जो है धनतेरस के दिन तय कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। तो मेरे सारे जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आज के इस वीडियो में सिर्फ राशिफल नहीं था, हमने आपको यह भी बताया हर राशि के अकॉर्डिंग धनतेरस पर आप क्या खरीदारी कर सकते हैं और क्या नहीं खरीदना चाहिए आपको। तो ये सारी जानकारी हमने आपको राशिफल के साथ साथ दी और वो देने का मुख्य कारण यह था कि आज 23 तारीख है, 25 को धनतेरस है। लोग जो है अभी बहुत सारे लोग धनतेरस की खरीदारी करते हैं, धनतेरस पे लोग कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। तो अगर आप राशि के अनुसार खरीदारी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छा जो है कहते हैं धनवंतरी देवी की जो है कृपा आप पर बनी रहेगी। धनतेरस के जो है आपको उस दिन अगर वो सामान खरीदते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस जानकारी इस वीडियो में थी। अगर ऐसी ही जो जानकारियाँ आप चाहते हैं तो आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। और खासकर अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, क्योंकि धनतेरस की खरीदारी तो हर कोई करता है तो सबको पता चलना चाहिए कि राशि के अनुसार आप क्या क्या खरीद सकते हैं। तो जरूर शेयर करें इस वीडियो को, लाइक का बटन जो है उसको भी प्रेस कर दें, अपने कमेंट्स हमें लिखते रहें ताकि हमें पता चलते रहे कि आपको हमारा वीडियो कितना पसंद आता है। और अगर सुझाव है तो वो तो जरूर दें, क्योंकि आपके सुझाव ही हैं जो हमें हर दिन हम इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए इसमें बस इतना ही इस वीडियो में, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कल कुछ खास लेकर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, किसी का दिल ना दुखाएं और जो है अगर आप सक्षम हैं तो दान पुण्य का काम जरूर करें। नमस्कार।